हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जैन क्लासेस। जैसा बोर्ड पर क्वेश्चन लिखा हुआ है, द पेरिमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 38 सेंटीमीटर और इसकी लेंथ दी हुई है 12 सेंटीमीटर, तो हमें इसकी ब्रेड्थ फाइंड करनी है। तो हमने एक पेरिमीटर का फॉर्मूला बताया हुआ था और पेरिमीटर इसमें दिया हुआ है, इस तरह से लिखेंगे इसे, पेरिमीटर ऑफ रेक्टेंगल। क्या फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, 2 × l + b। तो पेरीमीटर कितना दिया हुआ है इसका, 38 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2, लेंथ कितनी दी हुई है इसमें 12 सेंटीमीटर प्लस ब्रेथ हमें इसकी फाइंड करनी है। ये 2 इधर मल्टीप्लाई में दिया हुआ है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, यहां का रह जाएगा 12 सेंटीमीटर प्लस ब्रेड, 2 से ये कैंसिल अप हो जाएगा 19 टाइम्स, इधर हो जाएगा 19 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर प्लस ब्रेड, अभी 12 सेंटीमीटर इधर से इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 19 सेंटीमीटर माइनस 12 सेंटीमीटर इज इक्वल टू ब्रेड, 19 माइनस 12 कितना होता है 7 सेंटीमीटर, इसकी ब्रेड कितनी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। बच्चों इसी का दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज 40 सेंटीमीटर और इसकी ब्रेड दी हुई है 8 सेंटीमीटर, इसकी हमें लेंथ फाइंड करनी है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 2 × l + b, पेरीमीटर कितना दिया हुआ है इसमें 40 सेंटीमीटर, लेंथ फाइंड करनी है और ब्रेड्थ दी हुई है, ब्रेड्थ कितनी है 8 सेंटीमीटर, 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर आने डिवाइड में हो जाएगा, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा 20 टाइम्स, 8 इधर आते माइनस हो जाएगा, लेंथ निकल आएगी इस तरह से, 20 माइनस 8 कितना होता है 12 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल।